नमस्कार मु किशोर एन क्लासेस को आपमन को स्वागत करुचे। पिला माने आजर क्लास रे आमे डिस्कशन करबा अबाउट आवर्सन जहा के एग्जाम दृष्टि रु बहुत इंपोर्टेंट। आशा करुचे आपमन मानकर प्रिपरेशन बहुत भल रे चलीथबो। तनो आजर क्लास टे स्टार्ट करया पूर्व रु जदी आपमन माने चैनल टी को प्रथम थरो पई विजिट करदों ताले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतो एवं पाखरि थिवा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दियंतो जहा द्वारा कि वीडियो अपलोड हो आपमन मानक पाखरि नोटिफिकेशन पहुचि जिवो। ठीक अछि, चालंतु आजर क्लास स्टार्ट करबा आवर्सन। पे आवर्सन हूँ गोटे बहुत दुखपूर्ण सिचुएसन, गोटे मेडिकल सिचुएसन जो थे कि फैमिली मेम्बर एवं प्रत्येक माँ बहुत दुखित तो होता कहारी ना कहारी जीवन रे केबे ना केबे कहीं ना कहीं ये जिनस को फेस करेंगे। तेणु आम प्रथम बुझा आवर्सन कौन कहीं आवर्सन है मात्र के गाँ गहरी लोक सब कहते आप शुणी थे किए कि गुणगारेटी कर देती कि अंधविश्वास वशवर्ती किए के भावि नि सब। तो आज क्लास में आम तर विभिन्न प्रकार जो टाइप्स अच्छे आम डिस्कसन करने सहित प्रत्येक जिनस को डिटेल्स रे डिस्कशन करवा और एग्जाम रे कौन कौन क्वेश्चन आसपार आम ये आलोचना करवा। फास्ट आम डेफिनेशन देखीद जे जदि 20 सप्ताह पूर्व 20 किंबा तार पूर्व जदि डेड फिटस एक्सपेल आउट हो माँ गर्भर बाहर को बाहर जार ओजन 500 ग्राम ताको आम आवर्सन कह। एक्सपेल आउट ऑफ डेड फिटस ऑन और बिफोर 20 वीक्स एंड ओजन केते तार लेस देन 500 ग्राम इन वेट। बुझीगला जदि 20 सप्ताह कि पूर्व डेड फिटस टी माँ गर्भर बाहर को आसची एवं ओजन रे 500 ग्राम किंबा ता ठारु कम अच्छे ताहले तक आम आवर्सन कहवा। जदि 20 सप्ताह पर आसची जदि डेड फिटस टी 20 सप्ताह पर माँ गर्भर बाहर को आसची ताको आम कहता है स्टील बार्थ। बुझीगला एवं तो क्वेश्चन ये दुटा भी हो पार जो स्टील बार्थ क्या कहुए। जदि आमर जो वायबिलिटी पीरियड अच्छे 20 वीक्स पर जो डेड फिटस जन्म होती आम आवर्सन स्टील बार्थ बोली कही था। जदि 20 सप्ताह कि पूर्व डेड फिटस जन्म होती आम आवर्सन कही था। तो ये जो आवर्सन अच्छे आवर्सन 9टा भाग में विभक्त हो फास्ट मान हूँ आम स्पोन्टानिअस आवर्सन देन इंड्यूस्ड आवर्सन देन आम इनविटेबल आवर्सन देन कम्प्लीट आवर्सन इनकम्प्लीट आवर्सन थ्रेटेंड आवर्सन हैबिचुअल आवर्सन मिस्ड आवर्सन एंड लास्ट वन इज सेप्टिक आवर्सन। वन बाय वन आम सब गुड़ाक डिस्कसन करवा क्लास टी लेंदी हे तेणु आपड़ पेसेंसली क्लास टी देखु एंड पर्यटन देखूँ जमार स्कीप करें और जदि क्लास टी भल लगुच गोटे लाइक करदे। ठीक अच्छे, वन बाय वन आम डिस्कसन करवा। तो पे वन बाय वन आम डिस्कसन करवा। फर्स्ट वन हूँ आम स्पोन्टेनियस आवर्सन। स्पोन्टेनियस आवर्सन कौन ना कौन सी प्राकृतिक कारण जदि 20 सप्ताह पूर्व प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए आम स्पोन्टेनियस आवर्सन कही था। ओके, प्राकृतिक कारण कौन ना ह्यूमन मेड हो ह्यूमन प्लान कर द्वारा कौन सी प्रकार चेंजेस हो ऑटोमेटिकली नेचुरली कौन सी कॉज थी जहाद्वारा कि 20 सप्ताह पूर्व प्रेगनेंसी टर्मिनेट होता आम कह स्पोन्टेनियस आवर्सन। स्पोन्टेनियस मीन आप बुझी जातु स्पोन्टेनियस मीन हूँ सडनली। ओके, कौन सी जेनेटिक कॉज हो पारे किंबा कौन सी एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी होती पारे किंबा कौन सी एंडोक्राइन अबनॉर्मलिटी होती पारे कौन सी भी प्राकृतिक कारण जोटा कि मनुष्य प्लान कर तार प्लान भितर सडनली 20 सप्ताह पूर्व ताको आम कह स्पोन्टेनियस आवर्सन। तो नेचुरल कॉज कौन कौन होती पारे जेनेटिक अबनॉर्मलिटी मुझे आपको कहली ट्राइसोमी अच्छी आमर। ओके, विभिन्न प्रकार ट्राइसोमी 21 ट्राइसोमी 22 एत डीपली पड़े आपन केवल फंडामेंटल क्लियर पर मुझे कहीदे केवल मन रखी था। तो ये टाइप र जेनेटिक अबनॉर्मलिटी थोड़ा एंडोक्राइन अबनॉर्मलिटी कौन देखा जाए पारे आम जमी डिस्कशन करते प्रीवियस क्लास गुड़ाक कि प्रेगनेंसी आम हार्मोन दरकार हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होपर आम स्टिमुलेसन दूसरी क्या ना पिट्यूटरी को पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेसन होपर आम धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन है इम्प्लांटेसन है फिटस ग्रोथ कला ये सब जो होगापी आम हार्मोनल फंक्शन बहुत इंपोर्टेंट। तेणु हार्मोनल फंक्शन एंडोक्राइन अबनॉर्मलिटी जदि अच्छी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए किंबा आम जब देखा एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी एनाटॉमी कौन ना मदर यूटेरस। ठीक अच्छे, सेटा हूँ आम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तेणु यूटेरस जब किसी प्रॉब्लम होमती बाइकॉर्नोइड यूटेरस ट्राइकॉर्नोइड यूटेरस सेप्टेट यूटेरस यही टाइप रि कौन प्रकार अबनॉर्मलिटी देखा जाए प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए जोटा कि हूँ गोटे नेचुरल कॉज। तेणु यही कारण दृष्टि जदि प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुए 20 सप्ताह पूर्व आम कह स्पोन्टेनियस आवर्सन। ओके, स्पोन्टेनियस मीन सडनली कौन गोटे प्राकृतिक कारण सडनली जोटा टर्मिनेट हो। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखा। सो पे प्रीवियस स्लाइड रे आम डिस्कशन कले अबाउट द स्पोन्टेनियस आवर्सन। ओके, जोटा कि आम सडनली आवर्सन हम टर्मिनेसन अफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 सप्ताह।
बर्तमान आम देखिए इंड्यूस्ड आवर्सन कौन। फर्स्ट आम डिटेल्स में जावा पूर्व आमको टर्म टाक बुझाप पड़ो ह्वाट इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मीनस आपण जदि कौन जिनस को चूज करा कहगला इंड्यूस्ड। तो आवर्सन में भी जदि आम कौन मेथड को चूज करके आवर्सन कले कहला इंड्यूस्ड आवर्सन। ताल एमती केतटा मेथड अच्छे आम चूज करवा तो मेथड अच्छे आम इंड्यूस्ड आवर्सन मेथड अच्छे दुईटा, गोटे हूँ आम मेडिकल मेथड आ गोटे हूँ सर्जिकल मेथड। ये आपने डाउट्रे थे जे एमती कौन सिचुएसन आसपे जे जो माँ कि तार फैमिली मेम्बर आवर्सन करने चिंता कर। तो एमती बहुत सारा सिचुएसन आसे मुझे आपको बतईदेवाई चाहूँगी जमीक रेप केस होगा रेप विक्टीम जदि कनसीव करगला तार टर्मिनेसन हम प्रेगनेसी जदि आडल्टरेसन रिकार होसी माइनर गार्ल विक्टीम होगा ताहले तार टर्मिनेसन हम प्रेगनेसी कि गर्भावस्था कंटिन्यू थी समय जदि डक्टर कि सर्जन जदि आडभाइस दे जे पिलाटी गर्भरे आबनॉर्मल अच्छे टर्मिनेसन निहाती जरूरी। तो से ही भाया क्षेत्र में टर्मिनेसन ऑफ प्रेगनेंसी बा एमटीपी एक्ट को अडॉप्ट करा जाए। ठीक अच्छे ये एक्ट माध्यम दुईटा मध्यम अच्छे मुझे जमी कहली आपको मेडिकल मेथड आ गोटे हूँ सर्जिकल मेथड। मेडिकल मेथड आपण मैंने जानते जे आम जो मिफीप्रिस्टन मिजोप्रिस्टन तो कॉम्बिपैक आसू खाई आवर्सन करोटा कि तार बेस्ट इफेक्ट हूँ अप टू 45 डेज। ठीक अच्छे ऑन और बिफोर 45 डेज रे सेटा भल काम दिए से जो कॉम्बिपैक अच्छे। देन सर्जिकल मेथड कौन, सर्जिकल मेथड रे कंसेंट निया है डॉक्टर किंबा गायनोकोलोजिस्ट को प्रेजेंस रे डायलेशन क्यूरेटेज किंबा सक्शन इवैक्यूएशन मेथड रे तार रिमूव कर दिया जाइए प्रेगनेंसी को। बुझी हो जी? तो ये जो कंसेंट कथा मुझे कहली कंसेंट ये आसर से जदि गर्ल माइनर थी ठीक अच्छे 18 वर्ष तौक थे कनसेंट क्या पाखु नि। तो यही परिस्थिति में जदि विक्टिम माइनर अच्छी तेल कनसेंट नि तार पेरेन्ट्स मान पाखु। ओके जदि 18 वर्ष ऊपर को ताहले से निजे सैन कर कि म्यारेज करे से निजे कि तार स्वामी सैन करेंगे। बुझी हो? तो ये जो एमटीपी मानने मेडिकाली मेथड रे आम प्रेगनेंस को टर्मिनेट करवा तार गोटे स्वतंत्र आक्ट बाहर कराइला जोटा कि आम अगस्ट 1971 बाहर कराई। ओके लंच कराला के एप्रिल 1972। बुझी होटा बाहर कराला आमर 1971 से आक्ट को लागू केवे करा गला 1972 एप्रिल। बुझी हो? आशा करूँ आपण मानक क्लास टी भल लगुव जब भल लगुच गोटे लाइक करदे। ठीक अच्छे नेक्स्ट आमर इनविटेबल आवर्सन। इनविटेबल आवर्सन कौन ना आवर्सन समय रे प्रेगनेंसी को जिते बड़े टर्मिनेसन कराव से कौन हम ना स्पोटिंग क्रांपिंग एंड सर्भिकाल डायलेसन हम। बुझी हो? टाइप आवर्सन रे कौन हुए स्पोटिंग हुए क्रांपिंग हुए एवं सर्भिकाल डायलेसन हुए। क्रांपिंग कौन आबडोमिनाल क्रांपिंग। ओके तो स्पोटिंग हम क्रांपिंग हम एवं सर्भिकाल डायलेसन हम ता सर्भिकाल डायलेसन हवा द्वारा कौन हम ना आम जो आबोर्टेड पार्ट सब एक्सपेल आउट हो बाहर को। चार नंबर आसमर कम्प्लीट आवर्सन टर्म पढ़ी आपने जापारे कम्प्लीट आवर्सन कौन ना ये टाइप आवर्सन में टोटाल एंटायर प्रडक्ट आम एक्सपेल आउट हो जाए बाहर को। ओके जो प्रडक्ट आम कनसीव कर डेड फिटस आम अच्छे से कौन हम ना कम्प्लीटली प्रडक्ट तार समस्त प्रडक्ट बाहर को एक्सपेल आउट होद्वारा कि कौन हुए लेस भेजानाल ब्लीडिंग एवं पेन कम हुए। बुझी हो? कम्प्लीट आवर्सन मानने टोटाली सबकि एक्सपेल आउट होद्वारा कि पेन भी कम हम एवं भेजानाल ब्लीडिंग भी कम हम। देन आसमर इनकम्प्लीट आवर्सन कम्प्लीट जो सब पड़ेगा इनकम्प्लीट रे कौन हूँ आम बुझीपा ऑटोमेटिक कहवा किसी दरकार नहीं तथा बुझे दूसरी। इनकम्प्लीट आवर्सन में आम सब प्रडक्ट एक्सपेल आउट हुए ना सब प्रडक्ट बाहर को बाहर ना आबोर्टेड प्रडक्ट किसी रही जाए इंट्रायुटेरियन कैविटी रे। बुझी हो? जहाद्वारा कि कौन हुए ना भेजानाल ब्लीडिंग बहुत हुए और आबडोमिनाल पेन सीभर हुए। ओके इनकम्प्लीट आवर्सन किसीटा क्षेत्र में लाइफ थ्रेटनिंग होता है ना बहुत दिन पर्यंत से डेड प्रोडक्ट गुड़ाक सब भितर रही जाती डेड फिटस भितर रही जाए माँ गर्भ भितर जो द्वारा कि सेगुड़ा ठीक समय रे एक्सपेल आउट न हो विभिन्न प्रकार इनफेक्शन इनफ्लामेशन हो जाए यूटेरियन कैविटी भितर एवं मेडिकल एडमिट हो जाती। बुझी हो? बहुत समय एमती भी ब्लीडिंग हो जाए जे शेष ब्लड चढ़ाई पड़े। ओके तो सीटा हूँ आमर इनकम्प्लीट आवर्सन। बुझिपारे तो कम्प्लीट आवर्सन में सबकि एक्सपेल आउट हो। ओके आउ इनकम्प्लीट आवर्सन में समस्त डेड प्रोडक्ट एक्सपेल आउट न हो कि पार्ट भितर रही जो कि सीभियर भेजानाल ब्लीडिंग एंड आबडोमिनाल क्रांप देखापे मिले।
सो पिला माने नेक्स्ट होजी हमरो थ्रेटेंड अबॉर्शन कोन या पूर्व आमे माने डिस्कशन करले इनविटेबल अबॉर्शन विषय रे। इनविटेबल अबॉर्शन रे कोन होतला ना स्पॉटिंग होतला एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होतला एवं सर्विकल डायलेशन होतला, किंतु थ्रेटेंड अबॉर्शन रे स्पॉटिंग हबो यूटेराइन क्रैम्पिंग हबो किंतु हमरो सर्विकल डायलेशन हबो नाही। सर्विकल डायलेशन न होबा फळ रे जो कंसेप्शन प्रोडक्ट अछि सेटा पार्शियली डैमेज हबो एवं प्रेगनेंसी कंटिन्यू करबार पॉसिबिलिटी रही थाए। सर्वाइकल डायलेशन जदि न होला ताहले केमिति एक्सपेल आउट केमिति हबो, फुल्ली डैमेज हे कि एक्सपेल आउट केमिति हबो। तेणु जेहेतु सर्वाइकल ओस आमर क्लोज थाए, सर्वाइकल डायलेशन हुए नाही, ओस क्लोज रहबा फळरे सेटा कोन हुए ना भितरे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करबार पॉसिबिलिटी बढ़ी जाए, जहाद्वारा कि लेस वेजाइनल ब्लीडिंग होइथाय। ठीक अछि, अबॉर्शन जदि हेगला कंप्लीट ताहले वेजाइनल ब्लीडिंग हबो, किंतु जेहेतु कंप्लीट अबॉर्शन हुए नाही एवं ओस क्लोज थाए, सर्वाइकल डायलेशन हुए नहीं, सेथिपे ब्लीडिंग मध्ये कम देखा पाए मिले। तापर नेक्स्ट आउछ हमर हैबिचुअल अबॉर्शन। हैबिचुअल अबॉर्शन रे कोन होउछ ना जदि हमर कंटीन्यूअसली तीनटा स्पोंटेनियस अबॉर्शन हला, माने तीनटा सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो रहइबो एवं कोनोसी प्राकृतिक कारण रु गोटे परे गोटे तीनटा जंगो अबॉर्शन हेजिबो ऑटोमेटिकली, ताकु आमे कहबा हैबिचुअल अबॉर्शन। बुझि होउछ ना हूँ आम मिस्ड अबॉर्शन जोटा कि एग्जाम दृष्टि बहुत ही इंपोर्टेंट, आपन वन बाय वन यार प्रत्येक लाइन टी मन रखुद। मिस्ड अबॉर्शन को आ कौन बोली कह जाए, साइलेंट अबॉर्शन बोली कह जाए। ओके, जदि एग्जाम आसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द साइलेंट अबॉर्शन, आठ जो ऑप्शन थी मिस्ड अबॉर्शन बोली ताले आपन मिस्ड अबॉर्शन टे क्लिक करेंगे। तो मिस्ड अबॉर्शन को कौन कहुए, साइलेंट अबॉर्शन बोली कह जाए। ये मिस्ड अबॉर्शन प्रोसेस रे कौन हुए ना, प्रेगनेंसी तो टर्मिनेट हो जाए किंतु प्रोडक्ट एक्सपेल आउट हुए ना। बुझी हूँ, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो दैट मीन आबर्सन हो सक्सेसफुली आबर्सन, किंतु आबर्सन हो जो डेड फिटस बा डैमेज प्रोडक्ट गुड़ाक थी कनसेपसन प्रोडक्ट गुड़ाक से गुड़ाक बाहर को बाहरी आसवा कथा, किंतु मिस्ड आबर्सन प्रोसेस कौन हुए फिटस डेड हो जाए, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए किंतु प्रोडक्ट गुड़ाक बाहर को आसे ना, जहाँफल कि कौन हुए सेटा इंट्रायुटेरिन कैविटी भितर रही जाए। अच्छा, जदि फिटसटा डेथ हो गला किंबा कनसेपसन प्रोडक्ट गुड़ाक डेथ हो गला एवं से इंट्रायुटेरिन कैविटी भितर बा मार बॉडी भितर रहला, ताले सेटा तो डैमेज सेल गुड़ाक बॉडी भितर रहला, सेटा कोन करबो ना विभिन्न प्रकार इन्फेक्शन क्रिएट करबो एवं ता सहित बाहर जदि आमे देखिबा आउ कोन देखिया पई मिलबो ना, फेटल हार्ट रेट जणा पड़िबो नाही, यूटेराइन हाइट ग्रो करबो नाही हला। ता सहित आउ कोन हुए ना, जेहेतु एक्सपेल आउट बाहर को हेइनी वेजाइनल ब्लीडिंग किबा एब्डोमिनल क्रैम्प मध्य प्रेजेंट रहे नाही। बुझि होउछि, वेजाइनल ब्लीडिंग हुए नाही किंबा एब्डोमिनल क्रैम्प मध्य हुए नाही। ओके, मिस्ड अबॉर्शन बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम दृष्टि। सो नेक्स्ट हूँ आम सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन कौन ना, सेप्टिक आपण मैंने टर्म टी पढ़ी आगे बुझु, सेप्टिक अबॉर्शन मीन्स कौन सेप्सिस कंडीशन कारण दैट मीन्स इनफेक्शन कारण जदि अबॉर्शन हुए आम कह सेप्टिक अबॉर्शन। कौन कौन इनफेक्शन हो पाए, तो मुख्य इनफेक्शन गुड़ाक हूँ आम टॉर्च, टॉर्च माने जो लाइट मारते टॉर्च सेटा नुहे, से किटा डिजीज अच्छे है कही दूसरी तथा आप फंडामेंटल क्लियर में पड़ोनि तो एग्जाम कितु तथा जा रखि था इनफेक्शन गुड़ाक कौन कौन। टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ फॉर अदर्स, ठीक अच्छे अदर्स सिफिलिस हेपाटाइटिस बी, देन आर फॉर रुबेला, सी फॉर साइटोमेगालो वायरस एंड एच फॉर हर्पेस सिम्प्लेक्स। ठीक अच्छे, टी फॉर आउ थे कहीदेजी मुझे, टी फॉर हूँ आम टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ फॉर अदर्स दैट इज सिफिलिस एंड हेपाटाइटिस बी, आर फॉर रुबेला, सी फॉर साइटोमेगालो वायरस एंड आर एच फॉर हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। ओके, तो यहाँ हूँ आम टॉर्च इनफेक्शन। तो या भितर से टॉर्च इनफेक्शन भितर जो कौन गोटे भी माँ को हुए ताहले मध्यो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो संभावना अच्छे। ओके, तो यही जो सेप्टिक अबॉर्शन रे मुख्यतः यही इनफेक्शन कारण प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुए, जेहेतु इनफेक्शन बा इनफ्लेमेशन हो सह कौन साइन एंड सिम्टम देखा मिले इनफेक्शन रे ना, हाई ग्रेड फीवर हबो। ओके, पुरुनेल वेजाइनल डिस्चार्ज हबो एवं लोअर एब्डोमिनल पेन देखा मिले। बुझि होउछे, टॉर्च आमर होउछे इन्फेक्शन जोटा कि आम सेप्टिक अबॉर्शन करिथाय। ओके, एवं तार साइन एंड सिम्टम गुड़ाक मुझे आपण कहली निहाती भाव में या खातारे टिपिक रखि था, निहाती एटा एग्जाम पे बहुत दरकार। सो पिला माने थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, आशा करुछि आपण मानको क्लास टी निहाती भाव में भल लगे, जदि भल लगी गोटे लाइक करदे। आज पे एतिकी, पुणी देखा हबो आ गोटे नुआ एवं इम्पोर्टेंट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।